राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की वजह से आतिशी सरकार में मात्र 5 विधायक ही मंत्री बन पाए। कल शाम आतिशी को मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई गई और उनके साथ मात्र 5 विधायक मंत्री पद की शपथ लेते हैं। इस वक्त दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है। आम आदमी पार्टी बहुमत में है। 70 में से 62 विधायक आम आदमी पार्टी के हैं। ऐसे में जब आतिशी को मुख्यमंत्री बनाया गया तो उसके बाद पार्टी में मौजूद और भी विधायक इस बात की उम्मीद में थे कि हमें भी मंत्री पद तो मिल ही जाएगा, लेकिन मात्र 5 विधायकों को मंत्री पद मिली, जिसके बाद आम आदमी पार्टी में विधायकों की नाराजगी सामने आने लगी। लेकिन ये सब कुछ लालू प्रसाद यादव की वजह से हुआ है। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के एक दाव ने दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जब अपनी पार्टी में एक नया मुख्यमंत्री चेहरा घोषित किए, उसके बाद मात्र 5 विधायकों को ही मंत्री पद मिला। लेकिन आप ये सोच रहे होंगे कि राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव का कनेक्शन दिल्ली की पॉलिटिक्स से क्या है? वहाँ तो आम आदमी पार्टी की सरकार है, आम आदमी पार्टी बहुमत में है, 70 में से 62 विधायक आम आदमी पार्टी के हैं और राजद के एक भी विधायक दिल्ली में नहीं है, तो लालू प्रसाद यादव का वहाँ से क्या कनेक्शन हो सकता है? तो हम आपको बता दें कि बहुत गहरा कनेक्शन है। लालू प्रसाद यादव के एक दाव ने दिल्ली में मात्र 5 MLA को ही मंत्री बनने दिया। ये समझने के लिए आपको 1990 से लेकर के 2000 के बीच की राजनीति को समझनी होगी। इस दरमियान क्या कुछ हुआ, लालू प्रसाद यादव ने कौन सा दाव खेला जिसके बाद जिसका हर्जाना आज भी भुगतना पड़ रहा है। बता दें आपको कि 1990 से लेकर के 2000 के बीच के जब आप पॉलिटिक्स को समझेंगे, पॉलिटिक्स के फ्लैशबैक में जाएंगे, तो आपको ये पता चलेगा। हम 1990 से लेकर 2000 के बीच का जिक्र इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उस वक्त देश में और राज्यों में गठबंधन की सरकारें चल रही थी। ऐसे में जो भी पार्टी सत्ता में होती वो किसी भी सूरत में अपनी सरकार को बचाए रखने के लिए अपने हिसाब से कैबिनेट का विस्तार करती थी। कैबिनेट में सदस्यों को रखने की छूट का फायदा वैसे तो मुलायम सिंह यादव ने भी उठाया। 98 मंत्री बने। मायावती की सरकार में 87 मंत्री बने। कल्याण सिंह की सरकार में 93 मंत्री। रामप्रकाश गुप्ता की सरकार में 91 मंत्री। ज्योति बसु राजनाथ सिंह की सरकार में 86 मंत्री और सुनील कुमार शिंदे की सरकार में 69 मंत्री। सरीखे नेताओं ने खूब उठाया, लेकिन ये चर्चा का विषय तब बना जब लालू प्रसाद यादव ने कैबिनेट विस्तार की छूट की धज्जियां धड़ल्ले से उड़ाई। पहली बार 24 जुलाई 1997 को जब लालू प्रसाद यादव चारा घोटाले में जेल जा रहे थे, तो उस वक्त उन्होंने राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बनाया। राबड़ी देवी की सरकार के लिए बहुमत का नंबर जुटाने के लिए लालू यादव ने सरकार बनाने से पहले जनता दल को तोड़कर राष्ट्रीय जनता दल बनाई। साथ ही राबड़ी देवी की सरकार को सपोर्ट करने के एवज में 70 से ज़्यादा विधायकों को मंत्री बना दिया गया। लालू ने इस छूट का दूसरी बार साल 2000 में इस्तेमाल किया। विधानसभा चुनाव में लालू यादव की पार्टी RJD के 124 विधायक जीत कर आए। इस वजह से चंद दिनों के लिए नीतीश कुमार की अगुवाई में बिहार में सरकार बनी, लेकिन पहले ही बहुमत परीक्षण में फेल होने के बाद राबड़ी देवी की अगुवाई में फिर से सरकार बनी। राबड़ी देवी की इस सरकार को कांग्रेस, निर्दलीय झामुमो और वाम दलों का सपोर्ट मिला। सरकार गठन के दौरान राबड़ी देवी ने 70 मंत्री बनाए, लेकिन साल 2003 आते आते बिहार में मंत्रिमंडल का आकार 82 तक पहुंच गया। आलम यह था कि चुनाव में RJD के खिलाफ लड़ने वाली कांग्रेस के 30 में से 29 विधायक मंत्री बन गए, यानी तब झारखंड के अलग होने के बाद 243 विधायकों वाली विधानसभा की करीब 34% विधायक राबड़ी कैबिनेट का हिस्सा थे। आलम यह हो गया कि मंत्रियों को बांटने के लिए मंत्रालय कम पड़ रहे थे। उस दौरान में ये बात मीडिया में खूब सुर्खियां बनी। दरअसल उस वक्त लालू प्रसाद यादव इतने प्रसिद्ध नेता हुआ करते थे, आज भी वैसे ही नेता हैं, लेकिन उस वक्त लालू प्रसाद यादव की प्रसिद्धि राजनीति में खूब ज़्यादा थी। उस वक्त लालू प्रसाद यादव के द्वारा उठाए गए कदम नेशनल मीडिया की सुर्खी बन जाता था। लालू प्रसाद यादव खूब सुर्खियां बटोरते थे उस वक्त, और जब लालू प्रसाद यादव ने ये कदम उठाया तो बिहार से लेकर देश की राजनीति को हिला दिया। उसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने संविधान का 91वां संशोधन किया। 2003 के अनुच्छेद 164 में खंड 1A जोड़ दिया गया। संविधान के 91
संशोधन के बाद केंद्र या राज्यों में प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या कुल सांसदों या विधायकों की 15% से अधिक किसी भी सूरत में नहीं हो सकती है। यही वजह है कि 70 विधायकों वाले दिल्ली विधानसभा में 62 विधायक होने के बावजूद मात्र 6 विधायकों को मुख्यमंत्री सहित मंत्री बनाया गया, यानी कि 6 में से एक आतिशी मार्लेना को मुख्यमंत्री बनाया गया और 5 विधायकों को मंत्री पद की शपथ दिलाई गई। ये सब कुछ अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में हुआ था। 2004 में संविधान का 91वां संशोधन किया गया और उसके बाद ये नियम बनाया गया कि जितने आपके विधायक या सांसद होंगे ये केंद्र में भी लागू होगा और राज्य में भी लागू होगा। अगर केंद्र की बात करें तो प्रधानमंत्री केवल मौजूदा सांसद में से 15% को ही मंत्रिमंडल में जगह दे सकता है। बिहार में भी ऐसा ही है। बिहार में भी सत्तारूढ़ पार्टी में जितने विधायक होंगे उनमें से मात्र 15% विधायकों को ही मंत्री बनने दिया जाएगा। और यही वजह है कि दिल्ली में भी इस वक्त 62 का 15% मात्र 6 लोगों को, आतिशी मर्लिना के बाद मात्र 5 लोगों को आरटीसी सरकार में मंत्री बनने का मौका मिला है। 26 वर्षों में 17,000 से अधिक डॉक्टर बना चुका बिहार एवं झारखंड के छात्रों एवं अभिभावकों के बीच सर्वाधिक विश्वसनीय एवं लोकप्रिय संस्थान गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। हमारा विश्वास गोल के साथ।